उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सामान्य ज्ञान सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था अमेरिका में, राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2016 किसे दिया गया? रणबीर सिंह को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने इंग्लैंड में अपने कारोबार बेचने का फैसला किया है? तो टाटा स्टील ने किया है ये फैसला अपने कारोबार बेचने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रणव मुखर्जी जी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण एक सात्यांक है जिसमें स्मृति स्तर लेकर चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है, यहाँ इन दोनों के मध्य अनिवार्य पड़ाव को कहते हैं? तो ये बोलते हैं अवबोध स्तर। शिक्षण एक सात्यांक है जिसमें स्मृति स्तर को लेकर के चिंतन स्तर तक की दूरी तय की जाती है, तो अवबोध स्तर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है, तो इसकी जो गुणवत्ता की जांच की जाती है अनुसंधान की उपयुक्तता से, यानी ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तेलुगु नववर्ष को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं उगादि, तेलुगु नववर्ष को। क्वेश्चन नंबर 7 है, NAAC ने किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई है? तो ये स्थापित हुआ है UGC के अंतर्गत। एक सोच समस्या जब व्यवहार नहीं है, जब वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त है, तब एक शोध समस्या वह व्यवहार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर, यानी सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से रॉयल मेल किस देश की डाक सेवा है? तो ये ब्रिटेन की डाक सेवा है, यानी ऑप्शन जो है यहाँ ब्रिटेन, यानी डी वाला राइट है 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से सोशल साइट याहू की स्थापना किसने किया है? तो याहू की स्थापना किया है जेरी चांग ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु वायु का प्रदूषक नहीं है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है, तो ये उपयुक्त कौन सी विधि अपना करके ताप बिजली घरों व कारखानों से निकलने वाले गर्म पानी को नदियों में डालने पर रोक लगाकर सही, नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर ये भी सही, और नाभिकीय विस्फोटों पर रोक लगाकर ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची एक का मिलान सूची 2 से करना है, तो इसमें सूची एक आएगा अल्फांसो डी अलबुर्क, तो अल्फांसो डी अलबुर्क जो है ये आ जाएंगे चौथे पे, यानी पुर्तगीज गवर्नर जिसके साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन ही होगा। अल्फांसो डी अलबुर्क का जो है ऑप्शन, भारत में द्वितीय पुर्तगीज गवर्नर के रूप में है अल्फांसो डी अलबुर्क। मार्टिन अल्फांसो आएंगे यहाँ पे चौथे पे, जहाँ लिखा है पुर्तगीज गवर्नर जिसके साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर ये भारत आए थे, यानी बी वाला चौथे पे। अब नी नोडी कुन्हा जो है ये पुर्तगीज गवर्नर है जिसने कोचीन के स्थान पर गोवा को प्रधान कार्यालय बनाया, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मिडो जाएंगे भारत में प्रथम गवर्नर थे, भारत के ये प्रथम गवर्नर थे। तो अल्फांसो डी अल्बुर्क ये आ जाएंगे ई का 2 पे, मार्टिन अल्फांसो ये पुर्तगाली गवर्नर जिनके शासनकाल में कौन आया था, संत फ्रांसिस्को जेवियर, ये इसी यही गवर्नर है जिसके शासनकाल में संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया, जबकि निनोडी कुन्हा जो है पुर्तगीज गवर्नर जिसने कोचीन के स्थान पर गोवा को प्रधान कार्यालय बनाया। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से, पूर्ण के हिसाब से सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल डलहौजी, तो 16 का
जब मिलान करेंगे तो ये लाल डलहौजी भारत की रेलवे की शुरुआत ली जानी जाती हैं। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड रिपन ये जाने जाते हैं भारत में प्रथम नियमित जनगणना के लिए। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे की शुरुआत, लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली दरबार, लॉर्ड रिपन भारत में प्रथम नियमित जनगणना और कर्जन को बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। तो 1, 3, 4, 2 यानी ऑप्शन कोड के हिसाब से 16 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंग्रेजों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये 17 का राइट ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको कहा जाता है? तो ये 18 का जो राइट ऑप्शन बी यानी लॉर्ड विलियम बैटिक, इन्होंने ही संत प्रथा तथा सती प्रथा तथा अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 को फिर से यहाँ जोड़ना नहीं है बल्कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें 19 में? तो सतपुड़ा पर्वत, महादेव पहाड़ी, ये सही है, सुमेलित है यानी ये सही है। महादेव पहाड़ी, छोटा नागपुर, राजमहल पहाड़ी, ये भी सुमेलित है। हिमालय पर्वत, खाथी पहाड़ी, ये गलत है, ये तीसरा वाला गलत है। जबकि विंध्य पर्वत, भांडेर श्रेणी, ये भी सुमेलित है। तो इस हिसाब से इसमें जो अनसुमेलित है खासी पहाड़ी, हिमालय पर्वत वाला, ये ऑप्शन 19 का ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 मिलान करना है इसमें भी। तो उड़ीसा राज्य में जो लौह संचित भंडार है ये है 22%, झारखंड का जो संचित भंडार है ये है 26%, मध्य प्रदेश का जो संचित वो 18%, जबकि राजस्थान का कुल संचित भंडार कितना है 0.7%। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि उड़ीसा में 22% भंडार, झारखंड में 26%, मध्य प्रदेश में 18.07, यानी कि जो ऑप्शन है यहाँ पे 4, 3, 2, 1 ये ऑप्शन राइट। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की शुरुआत मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 21 का डी, भारतीय महासागर में समुद्री तापमान परिवर्तन से संबंधित है। भारतीय महासागर में समुद्री तली तापमान। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य में कौन सा अनुक्रम लिंग अनुपात के अधोमुखी क्रम में है? तो 22 का राइट ऑप्शन सी, केरल, फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र, ये अधोमुखी में है। निम्न में कौन सा देश दुबई में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करने वाला सबसे बड़ा निवेशकर्ता बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी 23 का बी भारत है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा में ने गोपीनाथ वरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति की नियुक्ति की। समिति द्वारा निम्न में कौन सी अनुशंसाएँ दी गई या दी गई? तो इसमें 24 का जो दी गई अनुशंसा है, उत्तर पूर्व सीमांत यानी असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची, यही अनुशंसा दी गई। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी केवल और केवल एक, यानी केवल और केवल इसमें एक ही दिया गया है जो कि उत्तर पूर्व सीमांत असम वाले। क्वेश्चन नंबर 25 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अधिकार हैं, दंडनीय अपराध हैं। तो 25 का ए, संघीय तथा अजमानती, संघीय तथा अजमानती, ए ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में कर्तव्य राज्य और नागरिक के लिए विहित किए गए हैं? तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, 2, 6, जो कर्तव्य राज्य और नागरिक के लिए विहित है, तो इसमें जो है 26 का ऑप्शन बी यानी 1, 2, 6 हो जाएगा। जैसे मनोवैज्ञानिक मनोदशा विकसित करना सही, सामान भातृत्व का संवर्धन करना सही, और एक है छठा पॉइंट, देश की सुरक्षा करना, यानी ये भी सही है। तो कुल मिलाकर इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2 और 6 सही है।
ऊपर 26 में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? 27 का सी हो जाएगा राज्य की विधानसभाएं, ये तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग होती हैं लेकिन महाभियोग में इनका कोई योगदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो 28 का राइट ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सा मानव सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो इसमें जीवन प्रत्याशा लाइफ यानी एक्सपेक्टेंसी शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय शामिल है, पौर साक्षरता भी शामिल है, लेकिन सामाजिक असमानता यानी सी ऑप्शन ये नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम है, निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुरुआत किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ये आज के टोटल 30 क्वेश्चन। असिस्टेंट प्रोफेसर की धन्यवाद।